हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक्स क्लब। दोस्तों, संजय गुप्ता जी की तरफ से बहुत सारे अभी रिलीजेस आए हैं, जिसमें से नागरा डाइजेस्ट 4, 5, 6, ध्रुव की 7, 6 और संक्रमित और जावतकर, ये सब आए हैं दोस्तों। तो चलिए वन बाय वन सभी को रिव्यू कर लेते हैं हमारे चैनल पे। ये सारी वीडियोस आज ही आपको मिल जाएंगी, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, नागराज डाइजेस्ट 4 अभी मैंने आपको दिखाया है कि इसमें कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका मूल्य बता देते हैं, 700 रुपीज़ है। लार्ज साइज़ में है दोस्तों, स्केल किया गया है इसको, देख सकते हैं। और 6-in-1 डाइजेस्ट है, देख सकते हैं। अंदर कवर के साथ ही इन्होंने नागराज का दुश्मन का कवर दिया है, देख सकते हैं। क्वालिटी दोस्तों, 8 पेपर यूज़ किया है, बिग साइज़ में है, और क्या गजब की क्वालिटी है दोस्तों। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। फर्स्ट लुक में ही इतना बढ़िया इंप्रेशन दे रहा है ये। आगे की तरफ मूव करूँगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा दोस्तों। कलरिंग में देखो इन्होंने कितना बढ़िया काम किया है, इन्होंने कलर को एकदम फिक्स रखा है, इच्छाधारी नागराज। वाह, देख के दिल खुश हो रहा है दोस्तों। देखिए क्या क्वालिटी काम किया हुआ है। नागराज और कालदूत देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी ना, सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने कहीं पे भी कोई नेमिंग या किसी भी तरह से नागराज ये राज कॉमिक्स बाय दिस या कॉमिक्स का नाम नीचे कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं डाला है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। और इन्होंने अंदर की तरफ सिर्फ शुरू में कॉमिक्स का नाम बताया है, दैट्स ऑल। ये और भी अच्छा रहता अगर इसको ओरिजिनलिटी मेंटेन करते, सुपरमैन को सुपरमैन ही रहने देते, बैटमैन को बैटमैन ही रहने देते, और स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन ही रहने देते, जैसे ओरिजिनल में छापा था। पर शायद वो लीगल इश्यूज हैं तो इस वजह से ऐसा नहीं दिखा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी क्या गजब की है। ये ताजमहल की चोरी है ऑफ कोर्स, और यहाँ पे ताजमहल की चोरी सॉरी आगे है, तो ये कौन सी है, इसको नाम मैं बता देता हूँ आपका, ये बोना शैतान है दोस्तों। चलिए लवली, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखें आगे पीछे कवर्स दिए हुए हैं दोस्तों, क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, कलरिंग कितनी ज़बरदस्त है। कलरिंग इन्होंने एकदम ओरिजिनल जैसी रखी है, जब ये रिलीज़ हुई थी तो जिस तरह के कलर उसमें थे, वैसे ही कलर को टेंपर नहीं किया गया बिल्कुल भी, ओरिजिनलिटी मेंटेन की गई है। नागराज और कालदूत, इच्छाधारी नागराज, ये दोस्तों स्केलिंग की है इन्होंने प्रॉपर, बहुत ही अच्छे वे में स्केलिंग करी है, कहीं से भी ये खिंची हुई नज़र नहीं आती दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कट गया है थोड़ा सा, इसका रीज़न ये है कि इसको बढ़ाया गया है, डायगनली बढ़ाया गया है, और स्केलिंग के बाद भी कहीं से भी धुंधली नहीं हुई है। डाइजेस्ट 2, 5-in-1 का पीछे इन्होंने ऐसा क्यों दिया है, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं आई। खैर, और ये डाइजेस्ट 3, ये शायद एक तरह से ये ऐड कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों, डाइजेस्ट 4 700 रुपीज़ इसका मूल्य है, और 6-in-1 डाइजेस्ट है ये, और क्वालिटी तो मैं बता ही चुका हूँ कि बहुत ही ब्रिलियंट है दोस्तों। ये अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया एडिशन होगा आपके कलेक्शन में। क्वालिटी देख ही सकते हैं आप लार्ज साइज़ में, तो मेरा ये फुल रिकमेंडेशन रहेगा। कुडोस टू द संजय जी एंड संजय जी's टीम कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है। मैं इसे डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, आप इसे ज़रूर लीजिएगा, ये मिस करने वाली आइटम नहीं है दोस्तों। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।